तो हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का पेपर और साइट नंबर टू। तो इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी इजी था, ओवरऑल इजी था, लेकिन अराउंड टेन मार्क्स का जो पेपर था वो आपका थोड़ा अच्छे लेवल का था। तो आइए आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे एक बार जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं हम सर सेक्शन नंबर ए से। यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स, इस पेपर की खास बात ये थी कि इस बार आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स आई थी। तो क्वेश्चन नंबर वन में काफ़ी लोगों को डाउट है, यहाँ पर वो है आपका डेट डेफिसिट इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन द पास्ट लोन। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूड। ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है वो है कि फिस्कल आएगा या फिर प्राइमरी आएगा। अगर एक बार हम देखें प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है, प्राइमरी डेफिसिट निकलता है आपका फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलता है, वो निकलता है आपका प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहाँ पर पूछा है इंक्लूड ना कि एक्सक्लूड, तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो आपका फिस्कल डेफिसिट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर टू पर, और क्वेश्चन नंबर टू है आपका टू रिड्यूस क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में। सेंट्रल बैंक क्या करेगा यहाँ पर, फर्स्ट बाय सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, सेकंड सेल सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, और थर्ड आपका रिड्यूस रिजर्व रेट, और फोर्थ आपका रिड्यूस रेपो रेट। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, सेल सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट। देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, जब आपकी सेंट्रल बैंक मार्केट में सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो वहाँ पर जो पब्लिक और कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है वो किसके पास आ जाएगा, सेंट्रल बैंक, जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी कम, और हमें मनी सप्लाई क्या करनी थी कम। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका बी। अब हम चलते हैं थर्ड आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है, और स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है दोस्तों, परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ प्रोड्यूसर इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पर बोला सर बाय अ प्रोड्यूसर, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका फॉल्स, क्योंकि परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो वो क्या बनेगा आपका दोस्तों, फाइनल गुड्स। तो इसका आंसर क्या होगा आपका फॉल्स। तो दोस्तों अब हम चलते क्वेश्चन नंबर फोर पर, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, इन केस ऑफ एन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी थी। तो फर्स्ट आपका ए डी इज इक्वल टू ए एस, ये भी आपका ट्रू है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर ए डी ए एस के इक्वल होते हैं। सेकेंड आपका देर एग्जिस्ट एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, ये भी आपका ट्रू है। थर्ड आपका रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, ये भी आपका ट्रू है, और आपको ढूंढना था फॉल्स कौन सा है। तो यहाँ पर होगा आपका डी, और डी के आपका रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, ये आपका फॉल्स है, क्योंकि ये सिचुएशन कहाँ पर होती है आपका, फुल एम्प्लॉयमेंट पर। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होना था आपका डी। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर फाइव पर, और क्वेश्चन नंबर फाइव आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर पेमेंट, यहाँ पर आपको ढूंढना था कि फैक्टर पेमेंट कौन सा नहीं है। दूसरे मायने में हम बात करें तो यहाँ पर आपको ढूंढना है ट्रांसफर पेमेंट। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट आपका फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल, तो ये भी आपका फैक्टर इनकम है। सेकेंड आपका सैलरी टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी आपका फैक्टर इनकम है। थर्ड आपका रेंट पेड टू द ओनर ऑफ ए बिल्डिंग, ये भी आपका फैक्टर इनकम है दोस्तों। फोर्थ आपका स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, ट्रांसफर इनकम। ठीक है, नॉट ए फैक्टर पेमेंट मींस दैट ट्रांसफर इनकम, तो इसका आंसर होगा आपका डी, स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कंबाइंड फैक्टर इनकम विच कांट बी सेपरेट इनटू वेरियस फैक्टर इनकम कंपोनेंट इज नोन एज, तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपका मिक्स्ड इनकम। क्वेश्चन नंबर सेवन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू होगा फॉल्स होगा। तो स्टेटमेंट है आपकी ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, तो इसका आंसर आपका फॉल्स, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में दो चीज़ें कवर होती है, कौन सी, एक आपका बैंकिंग और दूसरी आपका नॉन बैंकिंग, तो इसका आंसर क्या होगा आपका फॉल्स। एट क्वेश्चन बड़ा ही इजी, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक क्या बनेगा आपका, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो और करके भी दे रखा आपको यहाँ पर, और करके दे रखा आपको नॉमिनल जीडीपी दे रखी है 840 करोड़, और प्राइस इंडेक्स दे रखा आपका 120, और आपको रियल जीडीपी फाइंड आउट करनी थी, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो था आपका प्राइस इंडेक्स इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी इनटू 100, सॉरी नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, रियल जीडीपी निकालने, तो अब हम करेंगे यहाँ पर थी रियल, तो रियल इस साइड आ गया, और यहाँ पर था प्राइस इंडेक्स, तो प्राइस इंडेक्स यहाँ पर आ गया 840 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, तो इसका आंसर आएगा आपका 700 करोड़। नाइन्थ का जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका, इफ एम पी एस इज 0.25 एंड
initial change in investment is 250 crore, then the final change in income would be. तो यहाँ पर आपको change in income find out करना था, delta y find out करना है. तो पहले हम MPS की मदद से k की value निकालेंगे, k equal to 1 upon MPS, तो आ जाएगा आपका 4, और k का एक और formula था आपका k equal to delta y upon delta i, तो 4 आ गया, change in y आपको दे रखा है 250, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 1000 करोड़. अब हम दोस्तों चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर. क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपकी गलत है. तो यहाँ पर फर्स्ट आपकी GDP at MP equal to GDP at FC plus NIT, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है. बी आपकी NNP at MP equal to NNP at FC, तो दोस्तों ये आपका गलत है, तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट. और करके आपको सेम काफ़ी इजी क्वेश्चन दे रखा है प्राइस इंडेक्स में से, तो इस बार आपको रियल GDP दे रखी है, नॉमिनल GDP दे रखी है, और इस बार आपको प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करना था, और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका 125 करोड़. प्राइस इंडेक्स का जैसा हमने भी फॉर्मूला देखा, प्राइस इंडेक्स इक्वल टू नॉमिनल GDP इन नॉमिनल GDP डिवाइड बाई रियल GDP इन 200. तो आपको वैल्यू पुट डाउन करनी थी और आपका आंसर बड़ा ईजी से आ जाता. क्वेश्चन नंबर 11, सब्सिडी टू द प्रोड्यूसर शुड बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर पेमेंट, डिफेंड और रिफ्यू द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन. तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा डिफेंड. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्सिडी प्रोड्यूसर को मिली है और हो गया आपकी ट्रांसफर पेमेंट, बिकॉज यहाँ पर जो हमें सब्सिडी मिली है रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस, बिना किसी सर्विस के दिए हुए हमें क्या मिल रही है, पैसा रिसीव हो रहा है, इनकम रिसीव हो रही है. तो ये क्या रहेगी आपकी, बिना किसी सर्विस के जो हमें पैसा मिलता है, इनकम मिलता है, वो कहलाती है आपकी ट्रांसफर पेमेंट. और करके काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी, तो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच का आपको सर्कुलर फ्लो बताना था दोस्तों. तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका, वहाँ पर आपको फाइंड आउट करना था NVI at FC, आपको क्या कैलकुलेट करना था NVI at FC, और आपको कंपोनेंट इस प्रकार दे रखे हैं ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स. तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये फिक्स कैपिटल दे रखी है, फिक्स एसेट्स दे रखी है, और उसकी लाइफ है कितनी आपकी 10, और वैल्यू आपकी 10. तो जो वैल्यूज दे रखी है वो आपको लैक में दे रखी है. तो यहाँ से इसकी मदद से आप क्या निकालते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं. डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ 10 डिवाइड बाई 10, तो कितना आएगा दोस्तों आपका डेप्रिसिएशन 1. सिंगल यूज पर प्रोड्यूसर गुड्स ये होता है आपका IC5. सेल्स दे रखी आपको 20, अनसोल्ड स्टॉक दे रखा आपको बोले तो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा आपको 2, GST इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है 1. तो हम पहले निकालते हैं GVI at MP, और GVI at MP हम कैसे निकालते हैं, व्यू माइनस IC, और व्यू का फॉर्मूला होता है आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. तो सेल्स आपको दे रखी है 20, और आपको चेंज इन स्टॉक दे रखा आपको 2, क्योंकि आप करोगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है माइनस ओपनिंग स्टॉक आपका 0 हो जाता है दोस्तों. IC आपको दे रखा है 5, तो आपका GVI at MP आपका 17. हमें फाइंड आउट करना था NVI at FC इक्वल टू GVI at MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT. तो दोस्तों आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पर आपको आपने फाइंड आउट कर लिया 1, NIT आपको IT माइनस सब्सिडी, IT आपको दे रखा है, सब्सिडी नहीं दे रखा, तो हम उसे 0 मान लेंगे. 17 माइनस 1 माइनस 1, तो आगे आपका 15 लाख. तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा, इन द गिवन फिगर व्हाट डज द गैप KT रिप्रेजेंट, सेट एनी टू फिजिकल मेजर्स टू करेक्ट द सिचुएशन. यहाँ पर अगर आप देखो, ये है आपका AD और ये है आपका AD1, या फिर हम बात करें एक्चुअल AD, तो आपका जो एक्चुअल AD है, YF है आपका फुल इम्प्लीमेंट, तो जो आपका एक्चुअल AD है वो है आपका ग्रेटर देन डिजायर AD. तो ये जो गैप निकल कर आया, तो वो क्या निकल गया आपका, इन्फ्लेशनरी गैप. अब उसे हम टू फिजिकल मेजर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको चार होते हैं और आप में इन चारों में से आपको कोई दो लिखने थे. जैसे कि हम टैक्स बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ाने से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और परचेजिंग पावर कम होने की वजह से इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है. सेकेंड है सर, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, क्योंकि सर एक का खर्चा दूसरे की इनकम, अगर सरकार खर्चा कम करेगी तो लोगों की इनकम भी कम होगी, अगर लोगों की इनकम कम तो डिमांड भी कम. और करके दे रखा है, और करके है सर आपका एक्सप्लेन हाउ द रिवर्स रेपो रेट RRR हेल्प्स इन करेक्टिंग एक्सेस डिमांड. हमें क्या करना है, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सोल्व करना है. तो यहाँ पर जो आपका सेंट्रल बैंक है वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा. रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने की वजह से कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट कराएगा, जिसकी वजह से उनके पास जो मनी है वो काफ़ी कम बचेगा, और उस कम मनी से वो काफ़ी कम मनी क्रिएशन कर पाएंगे. मनी क्रिएशन कम होने की वजह से मनी सप्लाई कम, और मनी सप्लाई कम होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी दोस्तों.
तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। टैक्सेशन इज एन इफेक्टिव टूल टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। तो ये जो आया है आपको, वो आया है आपका गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन, और आपको यहाँ पर किस तरीके से टैक्सेशन पॉलिसी को इस्तेमाल करना था। तो गवर्नमेंट यहाँ पर कौन सी पॉलिसी लेकर आती, कौन से नेचर की पॉलिसी लेकर आती, प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन अमीरों के ऊपर और कम से कम बर्डन गरीबों के ऊपर, ठीक है। तो अमीरों के ऊपर अगर टैक्स ज़्यादा होता तो जिनसे उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाती, और पुअर को जब सब्सिडी मिलती जिनकी वजह से उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती, इसकी वजह से जो इनकम की इनइक्वालिटी है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, एक्सप्लेन द बैंक ऑफ नोट इशू फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पर जैसे ही आपको पता है, यहाँ पर नोट को प्रिंट करने की जो अथॉरिटी होती है किसके पास होती है, सेंट्रल बैंक, मोनोपोली या फिर सोल अथॉरिटी। इससे क्या होता है, इससे इकोनॉमी में यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है और आप बड़े इजिली मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि सारी के सारी जो पावर है वो किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका न्यूमेरिकल। यहाँ पर आपको प्लान इन्वेस्टमेंट दे रखी है और सी दे रखा है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ए में आपको कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ पर होता है, जहाँ पर ए डी इक्वल टू ए एस होता है। ए एस को हम वाई भी बोलते हैं और ए डी के कंपोनेंट होते हैं सी प्लस आई। तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यू को डाउन कर देंगे और यहाँ पर जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकल कर आएगी वो कितनी निकल के आएगी आपकी 300 करोड़। अब हमें सेकंड में क्या कैलकुलेट करना है, सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू को डाउन कर देंगे जिससे कि हमें c मिल जाए, और c मिलने की वजह से हम अगर इसको ऐड करेंगे, सर अगर आपको पता है, जैसे कि आपको पता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे क्या होता है, ad इक्वल टू as, और as के इसको आप दो तरीके से निकाल सकते थे। तो यहाँ पर as के कंपोनेंट होते हैं as इक्वल टू c प्लस s, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं सर y के कंपोनेंट होते हैं c प्लस s। अब वहाँ पर हमें C की वैल्यू पता है, Y पता है हमें कितना 300, C हमें पता लग गया कितना 200, तो माइनस करोगे तो सेविंग कितनी आएगी आपकी 100। C बड़ा इजी था। यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यहाँ पर आपको MPC दे रखी है 0.5, MPS भी होता है आपका 0.5, और K का फॉर्मूला होता है आपका 1/MPS। तो बड़े आराम से इसका आंसर किया जाता कितना आता आपका 2 times। फिर आपको और करके दे रखा है, और में आपका इफ AD इज ग्रेटर देन AS, अगर AD ग्रेटर देन है AS से तो क्या होगा, हाँ जी जो गुड्स है वो हो जाएगा आपका आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से प्रोड्यूसर को और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हायर करनी पड़ेगी, लेबर हायर करने की वजह से इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगी, और आउटपुट बढ़ेगी तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। बी है आपका, इफ एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट आर लेस देन एक्स एंटी सेविंग, इट मीन्स दैट सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से। तो इसकी वजह से एक सिचुएशन अराइज होगी, कौन सी, अनवांटेड स्टॉक की वजह से क्या होगा, यहाँ पर अब प्रोड्यूसर का सामान नहीं बिक रहा तो वो लेबरों को क्या करेगा, फायर आउट करेगा। फायर आउट होने की वजह से इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम, आउटपुट कम होने की वजह से इनकम कम, और इनकम कम होने की वजह से सेविंग कम। तो सेविंग जब कम होगी तो किससे जाके इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम में आएगी, एस इक्वल टू आई। फिर आपका 17 है आपका, रिसेंटली इंडियन रुपी हैज डेप्रिसिएटेड सिग्निफिकेंटली, दिस हैज लीड टू डिस्ट्रेस फॉर इंडियन इंपोर्टर्स, डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजंस। तो यहाँ पर जो हमारा मनी है वो क्या हो गया, डेप्रिसिएट हुआ है। कहने का मतलब है सर, फॉर एग्जाम्पल $1 = 50 और अब कितना हो गया $1 = 60, हमारी मनी वैल्यू क्या हो गई है, कम। अब इसकी वजह से जो चीज़ें हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे वो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लगी, तो इसे हम क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे दोस्तों। बी आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट होता है आपका इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और यहाँ पर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट होना था कि सर आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस यूनिलेटरल ट्रांसफर इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो हम चलेंगे सर सेक्शन बी में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि आपके फर्स्ट टाइम आई थी। सर क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, डिफाइन कोटा। कोटा का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग द नंबर या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स। यहाँ पर हम जो गुड्स है उसकी एक वैल्यू या फिर नंबर ऑफ गुड्स को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इनिशिएटेड इट्स प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन ईयर 1991। ये काफ़ी ईजी था और इसका आंसर क्या आएगा आपका, इंडिया। बी
भी आपका ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन वर्कर आर फाउंड इन अर्बन या फिर रूरल, तो इसका आंसर आना था आपका रूरल। 21, आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना था। गैट वॉज एस्टैब्लिश इन 1923 विद 48 मेंबर्स, तो इसका आंसर आना था आपका फॉल्स, क्योंकि आपका कभी एस्टैब्लिश हुआ था 1948 विद 23 मेंबर्स। 22 है आपको यहाँ पर, 22 में GLF की फुल फॉर्म बताई थी, तो इसका सही आंसर था आपका सी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 23 आपका पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज टारगेट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। 23 का 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसका सही आंसर होगा सी, यूज ऑफ थर्मल पावर, क्योंकि नॉट यूज, तो यहाँ पर थर्मल पावर इसलिए होगा क्योंकि थर्मल पावर में हम एनर्जी या फिर पावर जनरेट करने के लिए कोल का इस्तेमाल करते हैं। 25, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज हाई इन पाकिस्तान। तो दोस्तों अब हम चलते हैं 26 में है आपका, आपको ट्रू और फॉल्स बताना था। तो एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडिया वॉज रैंक एट 180 पोजिशन, तो यहाँ पर इसके जो स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स होगी, क्यों, क्योंकि सर 18 में UNDP की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 18 में जो इंडिया की रैंक कितनी थी 130 और 19 में कितनी होगी 129। 27 आपका, इफ ए कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर हायर टू वर्कर्स ऑन डेली वेजेस बेसिस, सच ए सिचुएशन इज कवर्ड अंडर इनफॉर्मल सेक्टर। 28 डिस्कस, आपको यहाँ पे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर के बारे में, वर्कफोर्स के बारे में बताना था। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करे, एक ऐसा सेक्टर ना तो जहाँ पर आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, ना वहाँ पर लेबर अपनी यूनियन बना सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो कहाँ पर होता है, इनफॉर्मल सेक्टर में। और करके आपको देखा स्टेट एनी थ्री चैलेंजेस फेसिंग रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। फर्स्ट आपका क्रेडिट प्रॉब्लम, सेकेंड आपका लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं 29, यहाँ पर आपको चीज़ें कंपेयर कर रखी करनी थी, और यहाँ पर आपको जो डाटा दे रखा है वो दे रखा है आपको इंडिया और चाइना का। फर्स्ट में आपको दे रखी है एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, फिर आपको दे रखा है जेंडर रेशियो। इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितनी आपकी 1.2 और चाइना की 0.5। रीज़न भी बताना था आपको यहाँ पर, और इसका जो रीज़न है आपका वो होगा आपका चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो इतनी कम क्यों, क्योंकि ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी। और जेंडर रेशियो आपको सर इंडिया में आपका 929 और चाइना में 941। हाँ जी, इसका रीज़न है वहाँ पर क्या जेंडर इक्वेलिटी। और अब हम चलेंगे 30 पर, और यहाँ पर डिस्कस करेंगे एनी टू साइलेंट फीचर ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट आपका हो सकता है आपका मेन ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर, सेकेंड आपका ब्लिक ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, और थर्ड आपका अनइक्वल ग्रोथ ऑफ सेक्टर। क्यों मेन ऑक्यूपेशन क्यों था, क्योंकि 72% कहाँ पर काम करते थे एग्रीकल्चर में। ब्लिक ग्रोथ क्यों, क्योंकि सर 10% कहाँ पर काम करते थे आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, और 18% कहाँ काम करते थे आपका सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पर फर्स्ट है ब्लिक ग्रोथ, सेकंड आपका मेन, और अनइक्वल ग्रोथ क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ थी वो काफ़ी ज़्यादा अनइक्वल थी। यहाँ पर हम चलेंगे सर और करके, यहाँ पर आपको प्लानिंग ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन आया था, वो था आपका इक्विटी विद ग्रोथ। तो इक्विटी विद ग्रोथ कैसे पॉसिबल है, वो पॉसिबल होगी जब आपकी GDP बढ़ने के साथ GDP का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो। अब हम चलेंगे 31 पर, 31 आपका मॉडर्नाइजेशन एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, सो ए डिचोटोमी विद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, डिचोटोमी का मतलब होता है आपका सेपरेट। ठीक है, यहाँ पर जब जैसे कि जैसे आपको सॉरी जस्टिफाई द स्टेटमेंट, यहाँ पर जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जाएंगे, मॉडर्नाइजेशन होता जाएगा, तो इसकी वजह से हमारी जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को लेकर, मशीनों को लेकर हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को हायर करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से हमारी इम्प्लीमेंट भी बढ़ेगी। और करके आपका स्टेट द टू फोल्ड मोटिव फॉर द सिस्टमैटिक डिस्टेबलाइजेशन ऑफ इंडिजियस इंडियन इंडस्ट्री इन द ब्रिटिश एरा। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका जो मोटिव है वो आपका टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, सेकेंड आपका टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन द इंडियन मार्केट। सेकंड आपका स्टेट एंड डिस्कस एनी टू प्रॉब्लम फेसिंग बाय पावर सेक्टर इन इंडिया। इसका फर्स्ट होगा आपका ऑपरेशन इन एफिशिएंसी, क्योंकि इंडिया का जो PLF है आपका 60%। सेकंड आपका लॉस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, हाँ जी, ड्यू टू रॉन्ग प्राइसिंग। और उसके बाद यहाँ पर रॉन्ग प्राइसिंग के अलावा सेकंड हो सकता है आपका जो एग्रीकल्चर स्टेट है वहाँ पर जो फार्मर्स को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है वो काफ़ी लो रेट पर प्रोवाइड करी जाती है, और बिजली चोरी।
33 आपका क्रिटिकल एग्जाम इन द रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इंप्लीमेंटेड इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो आपको एग्जामिन करना था जो भी आपके प्रोग्राम्स आए थे, जैसे मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो गई, तो इन सभी के बारे में आपको बताना था और उनको एग्जामिन करना था दोस्तों। और करके बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आया था आपका, उज्ज्वला योजना हैज बीन गेम चेंजर फॉर रूरल इंडिया स्टेट एनी थ्री कन्वेंशनल फ्यूल बीन टारगेटेड अंडर द उज्ज्वला योजना। यहाँ पर जैसे कि आपने देखो कुछ दिनों से आप कुछ ईयर से आपका काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन भी हुआ है, या फिर अगर आप यहाँ पर पेट्रोलियम पेट्रोल भरवाने जाते तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी बड़े बड़े होर्डिंग नज़र आ जाएंगे उज्ज्वला योजना से रिलेटेड। तो यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत यह था कि जितने भी आपके बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने भी आपके फैमिलीज हैं उन्हें यहाँ पर LPG कनेक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर जो मेन टारगेट करा गया था, क्योंकि इससे पहले अराउंड 79% जो एनर्जी इस्तेमाल होती थी रूरल एरिया में फॉर कुकिंग वो कौन सी होती थी, अनक्लीन फ्यूल, जिसकी वजह से जो हाउस वाइफ थी उनको काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ का सामना करना पड़ता था। तो यहाँ पर तीन टारगेट कौन से किस किस हो गया था कि आपको ये काफ़ी सिंपल था, क्योंकि आपको ये देखना था गाँव में खाना बनाने के लिए कौन से फ्यूल इस्तेमाल करे जाते हैं। तो फर्स्ट आपका फायरवुड, सेकेंड आपका डंक, और थर्ड आपका कोल। अब हम बात करेंगे भी इकोनॉमिक्स बिलीव दैट इंडिया शुड स्पेंड एटलीस्ट 6% ऑफ इट्स GDP ऑन एजुकेशन फॉर अचीविंग डिजायर रिजल्ट जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। जो हमारे एजुकेशन कमीशन है ना, उसने ये रेकमेंड करा था कि आपको एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च करना चाहिए, 6%, क्योंकि आपको ही पता अगर आप अपने घर बनाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करोगे तो आपका घर काफ़ी अच्छा बनेगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर जो मेन बैकबोन होती है किसी भी कंट्री को चेंज करने की, होती है एजुकेशन, और हमें यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में जो खर्चा हो कितना था आपका 3-4%, जो कि अभी भी होता है, ठीक है। इसलिए हमारी जो एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड रह गई है और इतना ज़्यादा उसमें इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे 34 आपका डिस्कस द नीड फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉय। सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्यों रिक्वायरमेंट है सर एम्प्लॉय, क्योंकि सर ट्रेनिंग की वजह से वो एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफर हो पाएगा, ट्रेनिंग की वजह से स्किल इंप्रूव होता है और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, इससे ओवरऑल बिजनेस की कॉस्ट कम होती है और आउटपुट बढ़ती है, और आउटपुट जब बढ़ेगी तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल हो पाएगी। बी आपका डिस्कस द रोल प्लेड बाय हॉर्टिकल्चर इन द डायरेक्शन ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। हॉर्टिकल्चर ने सर क्या रोल प्ले करा, तो सर इसकी वजह से यहाँ पे हुआ क्या कि सर लो एग्रीकल्चर से डाइवर्सिफाई हो गई, जिसकी वजह से सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया और लोगों की इनकम बढ़ गई। तो दोस्तों ये थे सर एक काफ़ी ज़्यादा क्विक डिस्कशन जो हमारा अभी पेपर हुआ सेट नंबर 2 पर। तो अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।